और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीन विवाद मामले की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोस्ट रिट पर सुनवाई हुई। आज कोर्ट में हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। विवाद मामले में वाद बिंदु तय करने से पहले मस्जिद पक्ष की तरफ से रिकॉल एप्लीकेशन दी गई। साथ ही वाद संख्या 3 आगरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की मांग पर कोर्ट ने एएसआई और मंदिर पक्ष को 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने दी। बता दें कि हिंदू पक्ष के कुल 18 याचिकाओं की पोस्टरिता पर सुनवाई हो रही। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि मस्जिद पक्ष चाहता है कि सभी मामलों को अलग अलग सुना जाए, जबकि कोर्ट सभी 15 सिविल वादों की एक साथ कर सुनवाई करने का फैसला दे चुका है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, और जिसमें के शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन रिकॉल एप्लीकेशन लगाई हुई है, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आज हिंदू पक्षकारों से इसके जवाब दाखिल करने के लिए आदेश किया गया। तो अब 30 तारीख तक सभी जो केस क्लब कर दिए गए थे उसका ऑब्जेक्शन शाही ईदगाह पक्ष ने किया है, और उनका कहना है कि ये क्लब नहीं किए जाने चाहिए। इस तरह की एक रिकॉल एप्लीकेशन उनके द्वारा लगाई गई है, और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हिंदू पक्ष को यह आदेशित किया गया है कि हिंदू पक्षकार अपना जवाब 30 सितंबर तक दाखिल करते हैं। तो 30 सितंबर तक हम लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे, और कंसोलिडेट किए जाने को मामले को लेकर के जो रिकॉल एप्लीकेशन शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा लगाई गई है वो अनावश्यक रूप से लगाई गई है, वो इस केस को डिले करने के लिए लगाई गई है। तो वो चाहते हैं कि इस केस की प्रोसीडिंग ना हो और प्रोसीडिंग लेट से लेट चलती रहे, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन लगाई है। तो 30 तारीख तक हिंदू पक्षकार उस रिकॉल एप्लीकेशन का अपना जवाब दाखिल करेंगे, और 30 सितंबर को अब इस मामले की अग्रिम सुनवाई होगी।